इस कोरोना लॉकडाउन जो लागू किया गया है, सभी को पता है कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, डेथ फ्रिक्वेंसी भी हो रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी लगातार मिल रही है। आम नागरिकों से मेरा प्रशासन का अनुरोध है कि इस लॉकडाउन व्यवस्था का पालन करें, खुद बचें, अपने परिवार को बचाएं, जबलपुर शहर को बचाएं, अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। मैं थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव थाना घमापुर सभी आम जनता से निवेदन करता हूं, कोरोना महामारी विकराल रूप ले रही है, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें, बहुत ही घातक बीमारी घातक चरण पर है। मेरा निवेदन है आप घर पर ही रहें, लॉकडाउन में पैनिक मत हों, अपने आप को संयमित रखें और कानून के साथ रहकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ रहकर इस महामारी से निपटने में प्रशासन का सहयोग करें। एक आम नागरिक की हैसियत से आम जनता के लिए कहना चाहता हूं, मेरे थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी है और मैं लगातार ये एम्बुलेंसों की आवाज सुन रहा हूं। हर 10 एम्बुलेंस में 8 एम्बुलेंस जो है कोरोना से संबंधित बीमारों की जा रही है, लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन रखा है। जनता से अपील है कि जनता अपने घरों में रहे, बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपकी जान बचाने के लिए है। अगर आपकी जान रहेगी तो जहां रहेगा। जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है कि इस बीमारी का वेक्टर जो है, इस बीमारी का जो वाहक है वो मनुष्य है, इंसान है, जनता है। यदि अगर हम आपस में दृढ़ निश्चय कर लें, संकल्पवान हो जाएं कि हम मास्क का लगातार प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करेंगे और अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे तो हम इस बीमारी की जो विभत्सता है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दिनांक 10/4/2021 से 22/4/2021 तक पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया है और यह पूरी जनता के लिए है ताकि लोगों में संक्रमण, कोरोना का संक्रमण ना फैले। तो मैं सिविल लाइन थाना प्रभारी संपूर्ण जिला जबलपुर की जनता से अपील करता हूँ कि अपना जो अनिवार्य कार्य है और बेहद जो ज़रूरी है, उन कार्यों के अलावा बाकी किसी भी कार्य के लिए घर से ना निकले, ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना संक्रमण की के ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण की मुसीबत से बच सकें और सभी स्वस्थ रहें। और सभी जनता से अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करें और जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें।